Good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा ग्रीक शब्द आर्थ्रोस प्लस पोडोस से बना है। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट यानी जुड़े हुए, और पोडोस का मतलब फुट यानी पाद। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पाद आपस में जुड़े होते हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा ग्रुप में रखते हैं। ये सबसे बड़ी फाइलम है एनिमल किंगडम की। करीब 83% जंतु जगत के जंतु आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोड्स हर हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो। बॉडी इनकी द्विपार्श्व सममिति दिखाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय दिखते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी जॉइंटेड अपेंडिजेस होती हैं, एक पैर सोमाइट पाया जाता है, और जो अपेंडिजेस हैं उनके बहुत सारे कार्य होते हैं। दे कैन एक्ट एज जॉज यानी जबड़ों के रूप में काम करती है, क्लोम के रूप में काम करती है, या लेग्स के रूप में काम करती है। You can see these are the jointed appendages of this animal. इसमें भी दिख रही है jointed appendages which act as jaws. और ये scorpion का है चित्र, जिसमें इसके jointed appendages डंक के रूप में और jaws के रूप में काम करते हैं। सारे arthropods में cuticle का hard exoskeleton पाया जाता है। ये cuticle का जो बाहरी कंकाल तंत्र है वो प्रोटीन और काइटिन का बना होता है। ये क्यूटिकल समय समय पे झड़ती रहती है, और इस झड़ने की क्रिया को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। बॉडी आर्थ्रोपोड्स की हेड, थोरेक्स और अब्डोमेन तीन भागों में डिवाइडेड होती है, और जनरली हेड और थोरेक्स आपस में जुड़े रहते हैं। इस जुड़े हुए पार्ट को हम सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा यानी ट्रू सिलोम अनुपस्थित होती है, और उसकी जगह ब्लड से भरी हुई हीमोसील पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में कंप्लीट या पूरा पूर्ण रूप उपस्थित होता है। मुख और गुदा, माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। मुख पर बहुत सारे माउथ पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं। ये माउथ पार्ट्स चूइंग बाइटिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, तो इसके कारण ये अलग अलग तरह से अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं। तो माउथ पार्ट के कारण दे हैव वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। श्वसन जनरल बॉडी सरफेस से होता है, या तो देह की सतह से, या गिल्स के द्वारा, या ट्रैकी या बुक लंग्स। ये सब डिफरेंट डिफरेंट आर्थ्रोपोडा में अलग अलग तरह से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इनमें बहुत सारे सेंसरी या संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे सिंपल और कंपाउंड आई, कीमो एंड टेक्टाइल रिसेप्टर्स, बैलेंसिंग एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स। तो कीमो मतलब रासायनिक संवेदी अंग, टच के प्रति या रिसेप्टर्स, और संतुलन बनाने के लिए और श्रवण शक्ति के लिए, ये सारे डिफरेंट संवेदी अंग इसमें पाए जाते हैं। ये एकलिंगी होते हैं, यानी अलग अलग सेक्सेस यानी लिंग अलग अलग होता है, नर्मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, ओविपेरस या ओविपेरस होते हैं यानी अंडायु या जरायु होते हैं, अंडे देते हैं या अंडे से अंडा देते हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं। अब हम वर्गीकरण देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा में 7 सब फाइलम्स पाई जाती हैं। So, पहली सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमोर्फा। ट्राइलोबिटोफोर्मा मींस, ये ट्राइलोबिटोफोर्मा जो शब्द है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राई मींस तीन, लोबोस मींस लोब, और मॉर्फ मींस फॉर्म्स। तो ऐसे जंतु जिनमें तीन लोब पाए जाते हैं उन्हें ट्राइलोबिटोमोर्फा सब फाइलम में रखा गया है। ये जो फाइलम है वो एक्सटिंक्ट है, अब लुप्त हो चुकी है, और इसमें आते थे ट्राइलोबाइट्स। ये ज्यादातर खारे पानी में पाए जाते थे, और खारे पानी समुद्र में नीचे रहते थे, बॉटम डिवेलर्स थे। इनकी बॉडी तीन लोब्स में यानी
तीन भागों में डिवाइडेड रहती थी, और तीन में इसलिए रहती थी क्योंकि देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल फरो या लाइंस ऐसे पाई जाती थी, गड्ढे पाए जाते थे जिसके कारण इनकी बॉडी एक दो तीन लोब्स में डिवाइडेड रहती थी। हेड इनका डिस्टिंक्ट होता था और शायद एक पेयर ऑफ एंटेना भी पाया जाता था। इसका एग्जाम्पल है ट्राई आर्थ्रस, और जैसा मैंने बताया ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। दूसरी फाइलम है सब फाइलम चेलिसेरेटा। चेलिसेरेटा भी ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड चेली मीन्स क्लॉ एंड किरोस मीन्स हॉर्न एंड अटा। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें खुर या हॉर्न पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं, इस जैसी कोई आकृति पाई जाती है, क्लॉ पाया जाता है, उन्हें चेलिसेरेटा ग्रुप में रखा गया है। इनकी बॉडी दो भागों में डिवाइडेड होती है। ऊपर का अग्रभाग सिफेलोथोरिक्स या उसे हम प्रोजोमा भी कहते हैं, और पश्च भाग एब्डोमन जिसे ऑफिस्टोजोमा भी कहते हैं। तो दो भाग है प्रोसोमा एंड ऑफिस्टोजोमा। हेड एंड थोरिक्स रीजन्स आर फ्यूज टू फॉर्म प्रोजोमा, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था जनरल कैरेक्टर्स में कि आर्थ्रोपोडा में हेड और थोरिक्स मिलकर सिफेलोथोरिक्स बनाते हैं, तो यहाँ भी चेलिसेरेटा में भी हेड और थोरिक्स फ्यूज होकर प्रोजोमा बनाते हैं। और प्रोजोमा में छह पांग पाए जाते हैं, छह पेयर ऑफ अपेंडिजेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्री ओरल चेलिसेरे विथ क्लॉज, फोर पेयर ऑफ वॉकिंग एग्स, और कुछ एनिमल्स में पांच भी पाए जाते हैं। तो एक पैर तो ये हो गया चेलिसेरे का, और सॉरी एक पैर तो हो गया चेलिसेर का, और फिर एक पैर पोस्ट ओरल पेडीपैप्स का हो गया, और चार पैर हो गए वॉकिंग लेग्स। तो इस तरह से छह जोड़ी प्रोजोमा में उपांग पाए जाते हैं। इसमें एंटेना और जॉस अनुपस्थित होते हैं। इसकी तीन क्लासेस होती है, मीरोस्टोमेटा, अरैकनिडा। ये देखिए जो स्पाइडर है, एग्जाम्पल है इसका स्पाइडर यानी मकड़ी, तो मकड़ी को या बिच्छू, तो ये मकड़ी है। आप देखिए इसकी ये इसी सिफेलोथोरिक्स है, ये इसकी ऑफिस्टोजोमा है, और इसमें अब्डोमेन रीजन पे कोई अपेंडेज नहीं है। देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह अपेंडेजेस यहीं पर पाई जाती है। तो इसमें से चार तो वॉकिंग लेग्स है, ये इसके पेडिपेल्स है, और ये इसके चेलिसेरे है। नेक्स्ट इसकी क्लास है मीरोस्टोमेटा एंड अरैकनिडा, दो क्लासेस हैं। तो मीरोस्टोमेटा अगेन ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, मीरोस एंड स्टोमा मीन्स माउथ, मीरोस यानी थाई एंड स्टोमा मीन्स माउथ, है ना। तो मीरोस मतलब थाई या इसकी जंघा, और मुख, स्टोमा मतलब मुख। ये भी मेराइन होते हैं, सिंपल होते हैं, और इनमें सिंपल लेटरल कंपाउंड आई पाई जाती है। पांच से छह पेयर अब्डोमिनल अपेंडिजेस विद बुक गिल्स, बुक लंग्स पाए जाते हैं। पांच से छह इनकी जो अब्डोमिन है उस पर अपेंडिजेस पाई जाती है, और एब्डोमिन के एंड में एक शार्प टेल्सन या नुकीली स्पाइन निकलती है, और उत्सर्जन कोक्सल ग्रंथि द्वारा होता है। इनमें मेरिफिजियल नलिका नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल है लिम्यूलस, हॉर्स शू और किंग क्रैब, क्रैब है किंग, इसका एग्जाम्पल है मीरोस्टोमेटा। नेक्स्ट है राइकनिडा। राइकने मींस स्पाइडर यानी मकड़ी। इनकी आईज आप मकड़ी की जानते हैं, बिल्कुल सिंपल आईज होती है, कंपाउंड आईज नहीं होती। सिफेलोथोरिक्स प्रोजोमा में दो चेलिसेरे, दो पेडिपेल्स, और चार पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं। अब्डोमेन में इसमें कोई अपेंडिजेस नहीं होते। इनमें श्वसन ट्रैकिया या बुक लंग्स के या दोनों के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन कॉक्सल ग्लैंड्स और मॉर्फिजन दोनों के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन या वुल्फ स्पाइडर। सी ये स्कॉर्पियन में आप देखिए ये इसका चेलिसेरे है, यहाँ पे पेडिपेल्स है एक दो तीन, ये इसके थोरेक्स में प्रोजोमा में वॉकिंग लेग्स है, एब्डोमिनल रीजन में कोई लेग नहीं। सिमिलरली स्पाइडर में भी ये सिफेलोथोरक्स है, ये इसका एब्डोमिनल रीजन है, और ये इसके अपेंडिजेस हैं चेलिसेरे, पेडिपेल्स, वॉकिंग लेग्स। थर्ड फाइलम है मैंडिबुलेटा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, जो लैटिन वर्ड मैंडिबुला से बना है। मैंडिबुला मींस मैंडिबल
ऐसे ग्रुप्स जिनमें मेंडिबल्स पाए जाते हैं उनको हम मेंडिबुलेटा में रखते हैं। इनकी बॉडी भी हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। हेड पे दो पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं, एक पेयर जॉस का और एक पेयर मैक्सिला का पाया जाता है। मेंडिबुलेटा में आइस संयुक्त होती है यानी कंपाउंड आइस पाई जाती है। इसकी क्लास है, पहली क्लास है क्रस्टेशिया, जिसका मतलब होता है क्रस्ट, लैटिन वर्ड क्रस्ट, जिसका मतलब होता है शेल, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। हेड और थोरेक्स आपस में जुड़े रहते हैं, स्फेरोथोरेक्स का निर्माण करते हैं। एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, हार्ड होता है, कैल्केरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हेड में पांच खंड पाए जाते हैं और दो एंटीना पाए जाते हैं, एक पेयर मैंडिबल का और दो पेयर मैक्सिले के पाए जाते हैं। अपेंडिजल टिपिकली बायरेमस यानी दो में डिवाइड होती है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा या बॉडी की सतह से होता है। एग्जाम्पल है इसके क्रेफिश, श्रिम्प, क्रैब, बार्निकल्स एक्सेट्रा। केकड़ा आपको याद रहेगा, तो केकड़े को याद कर लीजिए कि इसकी बॉडी पे देखिए कवच होता है, ये दो भाग में से बायरेमस पाई जाती है, मैंडिबल, एंटीना, ये सब पाए जाते हैं। ये इसमें भी आप देख सकते हैं एंटीना है और अपेंडिक्स है और ये सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन है। सेकंड है क्लास मिरियापोडा। मिरियापोडा ग्रीक वर्ड माइरोस से बना है, जिसका मतलब होता है 10,000। ऐसे एनिमल्स जिसमें बहुत सारे पैर पाए जाते हैं, बहुत सारे अपेंडिजेस या फुट पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है ये कीट जैसी होती है, वॉर्म जैसी, लंबी, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और हर सेगमेंट से एक लेग या पाद निकलता है। एंटीने, एक जोड़ी एंटीने पाए जाते हैं, तीन जोड़ी इनमें जॉस पाए जाते हैं और लेग्स मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे पाए जाते हैं, 11 जोड़ी से भी ज्यादा लेग्स पाए जाते हैं। श्वसन इनमें ट्रैकिया द्वारा होता है और एक्सक्रीशन इनमें मेलफिजन नलिकाओं द्वारा होता है। मिलीपीड, सेंटीपीड इसका एग्जांपल है। आप देखिए कितने सारे लेग्स हैं, बॉडी लंबी और इलोंगेटेड है, ये दो एंटीना है और जॉज होते हैं। इस तरह से मिरियापोडा के सदस्य होते हैं। इट इंक्लूड्स डिप्लोपोडा एंड दो और क्लासेस आती हैं, डिप्लोपोडा एंड काइलोपोडा। डिप्लोपोडा मींस डबल फुट, जिसमें मिलीपीड्स आते हैं जिनके 1000 लेग्स होते हैं। बॉडी इनकी भी इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होती है, हेड में डिवाइडेड होती है, हेड एंड थोरैक्स, पांच खंड का बना हुआ हेड, चार सेगमेंट का थोरैक्स और 100 सेगमेंट्स के अब्डोमिनल रीजन या ट्रंक रीजन होता है। हर ट्रंक में दो जोड़ी लेग पाए जाते हैं या पैर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको डिप्लोपोडा कहते हैं। मैंडिबल्स और मैक्सिला एक पैर होते हैं, इसलिए इनको डाइग्नेथा कहते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं यानी कीट ना खा के पत्तियां और उस पे फीड करते हैं। एग्जांपल है जूलस या मिलीपीड। दूसरा है किलोपोडा, जिसका एग्जांपल है सेंटीपीड। ये भी बहुत सारे लेग्स होते हैं और बॉडी हेड और हेड में डिवाइडेड होती है, 15 से 150 तक या 175 तक ट्रंक सेगमेंट्स होती हैं। इसमें एक पेयर हर सेगमेंट में पाया जाता है, मैंडिबल एक पेयर और मैक्सिले दो पेयर होते हैं, यानी यहाँ पे तीन है एज कम्पेयर टू डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में तो एक मैंडिबल और एक पेयर था, तो डाइग्नेथा थे। यहाँ पर मैंडिबल एक पेयर और मैक्सिले टू पेयर से मेकिंग इट ट्राइगनेथा, इसको हम ट्राइगनेथा कहते हैं। और इसमें सेंटीपीड में या काइलोपोडा की खास बात है कि इनका जो पहला लेग है वो मॉडिफाइड होता है पॉइजन क्लॉ में, जहरीला क्लॉ का में मॉडिफाइड होता है, इसलिए कार्निवोर। तो ये क्या करते हैं कि उससे डंक मारते हैं और अपना जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं और अपने प्रे को या अपने दुश्मन को मारते हैं, तो इसलिए ये कार्निवोर्स हैं यानी मांसाहारी होते हैं, जबकि डिप्लोपोडा मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स होते हैं। तो एग्जांपल है सेंटीपीडिया, स्कोलोपेंड्रा। नेक्स्ट क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ी क्लास है। लैटिन वर्ड इंसेक्टा से बनी, इंसेक्टस से बना हुआ वर्ड है इंसेक्टा। दे आर कट और डिवाइडेड। इंसेक्टस का मतलब होता है कटे हुए या
विभाजित, तो बॉडी इनकी हेड में डिवाइडेड होती है, छह खंडों की बनी होती है जो आपस में जुड़ी रहती है। थोरिक्स 3 सेगमेंट्स की बनी होती है और एब्डोमेन 11 सेगमेंट्स की बनी होती है। हेड में कंपाउंड आईज पाई जाती है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी मैंडिबल और दो जोड़ी मैक्सिले पाए जाते हैं। माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, इसमें खूब अच्छे से माउथ पार्ट्स डेवलप होते हैं। थोरिक्स विद टू पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, थोरिक्स में दो पैर जॉइंटेड लेग्स के होते हैं और एक या दो पैर विंग्स भी पाई जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बॉडी डिवाइडेड टू हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन, ये एंटेना है, कंपाउंड आई है, ये इसके वॉकिंग लेग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच। देन सब फाइलम ऑरिंकोफोरा। ऑरिंकोफोरा मीन्स ग्रीक वर्ड है ऑरिंकोस, क्लो एंड फोरिस, वॉर्म लाइक एंड सेगमेंटेड, सिंगल पेयर ऑफ एंटेना, आईज एंड जॉज, न्यूमरस स्टम्पी अनजॉइंटेड क्लॉड लेग्स। सो ऑरिंकोस ग्रीक वर्ड से बना है जिनमें क्लॉज पाए जाते हैं। ये वॉर्म जैसे होते हैं पर खंडी खंडित खंडी भवन नहीं पाया जाता, अनसेगमेंटेड होते हैं। एक छोटा पेयर ऑफ एंटेना होता है, आईज एंड जॉज पाई जाती है और बहुत सारे छोटे अनजॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीपेटस। ऑर्निकोफोरा का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना चाहिए, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट फाइलम सब फाइलम टार्डिग्रेडा। टार्डिग्रेडा आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे जलचर प्राणी होते हैं। सेगमेंटेशन बहुत क्लियरली नहीं दिखता इनमें, इनमें कोई एंटेना भी नहीं पाए जाते। माउथ इज वेरी स्मॉल और उस माउथ के अंदर हॉर्नी स्टाइलेट्स पाए जाते हैं। इनमें चार जोड़ी जैसे चित्र में आप देख सकते हैं अनजॉइंटेड क्लॉड लेग्स पाए जाते हैं, यानी अनजॉइंटेड होते हैं और क्लॉ पाए जाते हैं लेग्स में। इनमें कोई रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी अंग नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल है मैक्रोबायलस या वाटर बियर। नेक्स्ट फाइलम है पेंटास्टोमीडिया। पेंटास्टोमीडिया आर अनसेगमेंटेड पैरासाइटिक वॉर्म्स, यानी कोई खंड नहीं पाया जाता और परपोषी कीट होते हैं। इनमें कोई एंटीना भी नहीं पाया जाता। माउथ पर दो हुक पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसका एग्जांपल है लिंगुएटुरा और टंग वॉर्म। देन सब फाइलम पाइनोगोनिडा। पाइनोगोनिडा आर ये छोटे स्पाइडर जैसे एनिमल्स होते हैं, मकड़ी जैसे होते हैं। इनमें माउथ में एक लंबी प्रोबोसिस पाई जाती है, चार सिंपल आईज पाई जाती हैं, अपेंडिजेस में चेलिसेरे आता है, पेडीपेल्प्स आते हैं और एक जोड़ी वॉकिंग लेग्स आते हैं। इनमें भी रेस्पिरेटरी और श्वसन अंग नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल है निम्फोन। निम्फोन यानी समुद्री मकड़ी, सी स्पाइडर्स। सो ये था डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। ये इसका टेबुलर है जो हमने भी आपको पढ़ाया। तो होप आपको समझ में आया होगा। इस टेबल फॉर्म में आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि इसकी 7 सब फाइलम्स हैं, ट्राइब बॉटिमॉर्फा, ऑर्निकोफोरा, टार्डिग्रेडा, पेंटास्टोमेडिया, पिक्नोगोनिडिया और चेलिसेरेटा एंड मैंडिबुलेटा। और चेलिसेरेटा की 2 क्लासेस हैं, मिरोस्टोमेटा अरेकनिडा, इसकी क्रस्टेशिया एंड डिप्लोपोडा। और इंसेक्टा की भी 2 सब क्लासेस हैं, एटेरिगोटा एंड टेरिगोटा एंड एंडोटेरिगोटा। और दीज आर दी ऑर्डर्स। थैंक्स।